नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत कमजोर आय वर्ग के लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इस पेंशन स्कीम के तहत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कम आय पाने वाले लोग मामूली निवेश कर अपने लिए पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं। अब तक करोड़ों लोग इस स्कीम से जुड़ चुके हैं। असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कोई भी व्यक्ति इस स्कीम का लाभ ले सकता है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी पीएफ आदि के जरिए भविष्य के लिए कुछ रकम जमा कर लेते हैं, पर असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए ऐसा कर पाना बड़ी चुनौती होती है। ऐसे लोगों के लिए ही केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना शुरू किया है, ताकि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग भी अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ रकम जमा कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या क्या कार्य करने होंगे। दोस्तों, इस योजना को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यह आता है कि किस उम्र के लोग इस योजना में निवेश करने के योग्य हैं। इस सवाल के जवाब में हम आपको बताना चाहेंगे कि इस योजना के तहत सिर्फ वही लोग निवेश कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच हो। जिनका उम्र 18 वर्ष से कम या 40 वर्ष से अधिक होगा, वो इस योजना से नहीं जुड़ सकते हैं। हालांकि अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन का रकम पाने के लिए आपको कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा। इसलिए इस योजना में निवेश करने से पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि पेंशन का लाभ सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो कम से कम 20 साल तक निवेश किए होंगे। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अभिदाता यानी कि जिस व्यक्ति को इस योजना से जुड़ना है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इस योजना के तहत खाते में नामांकन और पति पत्नी की जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। अभिदाता किसी बैंक शाखा या डाकघर के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत बचत खाते में ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से मासिक या त्रिमासिक या फिर अर्धवार्षिक आधार पर भुगतान किए जाते हैं। अटल पेंशन योजना से जुड़ा हुआ व्यक्ति वर्ष में एक बार पेंशन राशि को अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड कर सकता है। निजी सूचना जैसे पता, फोन नंबर इत्यादि में संशोधन के लिए अभिदाता को अभिदाता संशोधन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज सहित संबंधित बैंक या फिर APY SP शाखा में जमा करना होगा। बताते चले कि इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 रुपए तक मंथली पेंशन मिलने का प्रावधान है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पेंशन धारक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या पति को फायदा मिलता रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अटल पेंशन योजना के विषय में आपके मन में जो भी सवाल होंगे, उसके जवाब आपको मिल चुका होगा। हालांकि इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आप अपने बैंक की मदद ले सकते हैं या फिर इस योजना से जुड़ी जानकारी इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।